मॉरिशस में भारतीय उच्च आयुक्त श्रीमती नंदिनी सिंगला ने आज एमआईटीडी हाउस फिनिक्स में उप प्रधान और शिक्षा मंत्री लीला देवी दुकान लक्ष्मण के साथ रस्मी मुलाकात की। दोनों ने शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर बात की। सुमेरा अकबर अली। कई दिनों से मॉरिशस में भारतीय उच्चायुक्त का पद संभालने वाली श्रीमती कोठापली नंदिनी सिंगला ने आज उप प्रधान एवं शिक्षा मंत्री लीला देवी दुकान-लुचूमुन से रस्मी मुलाकात की। दोनों महिलाओं ने शिक्षा के क्षेत्र में मॉरिशस तथा भारत के बीच आदान प्रदान पर बात की, खासतौर पर टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी और स्कॉलरशिप्स के संदर्भ में। श्रीमती नंदिनी सिंगला बताती हैं, मुझे बहुत खुशी हुई एक लेडी वाइस प्राइम मिनिस्टर से मिलके, क्योंकि वो यहाँ पे औरतों के लिए एक मिसाल है और मैं भी पहली महिला हाई कमिश्नर हूँ इंडिया की, भारत की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, उनसे बातें करके। हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की, शिक्षा क्षेत्र में जो स्कॉलरशिप्स हम देते हैं मॉरिशियन स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए, कैसे इनको बढ़ाया जाए और कैसे हम ऑनलाइन और डिजिटल तकनीकी टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉरिशियन बच्चों को स्कॉलरशिप्स की अनुकूल प्राप्त हो। और हमने विज्ञान के बारे में भी बात की, इसमें हम और क्या कर सकते हैं। और हमने बात की प्लैनेटेरियम के बारे में, हमने बात की सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। ये सब विषय ऐसे हैं कि आने वाले दिनों में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। मॉरिशस में नई भारतीय उच्चायुक्त ने इच्छा व्यक्त की कि ज्यादा से ज्यादा मॉरिशन युवकों को शिक्षा के क्षेत्र में भारत का सहयोग प्राप्त हो।